फिरोजाबाद पुलिस ने मादक पदार्थ माफिया सफेद पोशधारी व पूर्व सपा नेत्री ममता कठेरिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना दक्षिण स्थित कुंदन महल टॉकीज के पास छापे के दौरान नशे के कारोबार के खेल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 1 किलो 300 ग्राम चरस, करीब 8.5 किलो गांजा, बाइक और एक कार बरामद की है। अब पुलिस गिरोह के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई। फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। यह मामला थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद का है, जिसमें थाना दक्षिण के प्रभारी सुशांत गौर के नेतृत्व में टीम को सफलता मिली है। इन्होंने एक कुख्यात NDPS तस्करी की माफिया और उसकी विक्रेता ममता कठेरिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ममता कठेरिया के घर से, उसके कब्जे से तकरीबन 1.5 किलोग्राम चरस और 8.5 किलोग्राम के आसपास गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा एक टाटा टिगोर कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल, पैकिंग की मशीन, तौल करने वाली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये सब उसके कब्जे से बरामद किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि उसका पति टुंडा मल ही इस तरह के NDPS को जगह जगह से लाता है। उसके बाद ये अपने घर में उसकी छोटी छोटी पुड़िया बना करके बहुत ही हाई रेट्स पे, बहुत ही ज़्यादा दाम पे तमाम युवाओं को बेचती है, जिससे इसका पूरा धंधा चलता है। और एक बड़े बहुत जल्दी इसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। इसका 3 मंजिला मकान है और बहुत सारे इसके पास और भी संपत्तियां हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस कुख्यात NDPS की सप्लायर ममता कठेरिया को आज गिरफ्तार करके ठोस सबूतों के साथ आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इसको जेल भेज दिया जाएगा। इस महिला के तार जिन जिन लोगों से जुड़े हैं उनके बारे में भी गंभीरता से जांच करने के लिए अलग से टीम लगा दी गई है, जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह गुड वर्क करने वाली इस टीम को मैंने 20,000 रुपये का नकद इनाम प्रदान किया है और जल्दी ही शहर के जितने भी NDPS पदार्थों के कारोबारी हैं, नशे के सौदागर हैं, जल्दी ही उनको ठोस सबूतों के साथ जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा।